रेडी है? ये देखो होंडा एक्टिवा है, इसको अभी सर्विस की है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। सर्विस करने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत सेल्फ मारे बट स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी इसमें चेक कर रही है, प्लग वायर है इसका, प्लग निकाल के, प्लग का जो कैप है ये निकाल के चेक किया, इसमें करंट नहीं आ रहा, बहुत हल्का करंट आ रहा है, बहुत हल्का करंट आ रहा है। देखो अभी सेल्फ मार के दिखा रहा है, इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या खराब है इसका चेक करने के लिए। पहले हम लोग ने सीडीआई चेक किया बट इसका सीडीआई का प्रॉब्लम नहीं था। ओके, ज्यादातर इसका ये जो कॉइल है, इसको इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं, बाटला कॉइल भी बोलते हैं, जैसे कार के अंदर सेम लगा हुआ रहता है, इसको इग्निशन बोलते हैं, इसके अंदर बाटला भी बोलते हैं। ये जो कॉइल है सामने आपको दिख रहा है, अभी ये चेक करते हैं रिप्लेस करके इसका प्रॉब्लम है कि नहीं। ज्यादातर यही प्रॉब्लम आता है क्योंकि इसके अंदर पानी वगैरह चला गया तो शॉर्ट करके खराब हो जाता है। ओके, 10 नंबर के 2 बोल्ट है, ये इजीली खुल जाता है। ये दो बोल्ट लगा हुआ है, ग्रीन कलर का वायर आता है, ग्रीन ब्लैक, ये मैग्नेट से आता है और एक चाबी से आता है, ये इग्निशन है। इसके अंदर अपन स्विच ऑन करके करंट आए, देखो स्विच ऑन करके यहाँ पे ऐसा करंट चेक कर लेने का, पहले हल्का हल्का करंट आएगा, अगर स्विच ऑन करेंगे बैटरी तो यहाँ पे करंट आएगा। और ये जो रहता है ये मैग्नेट से करंट आता है, ये जो वायर है ये मैग्नेट के अंदर से आता है, ये इग्निशन है। ये तो आर्थिंग के लिए क्लिप दिया हुआ रहता है, निकाल के लगा देने का, नहीं क्लिप जरूरी है, नहीं तो फिर ये उसको ग्राउंड होगा नहीं, आर्थिंग बरोबर मिलेगा नहीं। ग्रीन वायर यहाँ पे लगता है, ग्रीन कलर का बना हुआ है मार्किंग, देखो मार्केट, ये इग्निशन है, ब्लैक कलर का यहाँ लगता है। थोड़ा मारो भाई, किक मारो, वो लाइट भी चालू ना, इसकी बैटरी डाउन हो जा रही बार बार, थोड़ा किक छोड़ो, किक छोड़ो, स्टार्ट हो गई, कॉइल की प्रॉब्लम था, कॉइल चेंज की तो हो गई स्टार्ट। मारो भाई वापस से, जरा किक मारो, मारो लाइट चल रही हो, भी लगा के देखे थे बट इसका प्रॉब्लम नहीं था, वो कॉइल खराब था। ज्यादातर सीडीआई खराब नहीं होता, ज्यादातर इग्निशन कॉइल पहले चेक करने का।